हाँ चलिए, तो हम लोग कत्ता कारक देख रहे थे। कुम्हार ने अंदाजा लगाया, तो यहाँ पे कुम्हार काम कौन कर रहा है? कुम्हार कर रहा है। और क्या काम हो रहा है? अंदाजा लगाया। तो जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं हिंदी में, इसको ऐसे लिखते हैं कर्ता। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? कुम्हार काम करने वाला है, और इसमें दिया है, इसलिए ये कर्ता कारक का प्रयोग यहाँ हुआ है। अभी भी बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं। दूसरा आंसर है, दादी ने पोते को कहानी सुनाई। दादी ने पोते को क्या सुनाई? कहानी सुनाई। अब यहाँ बच्चों, यहाँ क्या काम हो रहा है? बच्चे काफी लेट में जुड़ रहे हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? कहानी सुनाने का काम हो रहा है। और कर कौन रहा है? दादी ने किया है। दादी ने पोते को कहानी सुनाई। तो दादी जो हो गए कर्ता हो गया, इसलिए यहाँ इस बात में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। यहाँ पे दादी ने कर्ता कारक है, ये दूसरा वाक्य हो गया। अभा पोता दादी के पास होता था। पोता दादी के पास होता था। तो भाई पोता जो है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? बहुत बच्चे देर देर में आते हैं, बच्चों की संख्या इतनी कम है। समझ यहाँ पे काम क्या हो रहा है? सोता था। और कौन सोता था? सोने का काम करता कौन था? पोता। लेकिन यहाँ ने का निशान नहीं है, कहीं कहीं कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन काम का करना अगर दिखाया जाता है किसी के द्वारा, तो वहां पे कर्ता कारक होता है। इसलिए यहाँ पोता पोता सोने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ भी कर्ता कारक। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और सारे क्वेश्चन सारे वाक्य लिख लो। ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है, एक बच्चा भी बोल देगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने पढ़ा कर्ता कारक। जब आप वाक्य, आपको कर्ता कारक कैसे देखना है, कैसे छांटना है, कैसे पहचानना है, उसमें आप वाक्य को पढ़ोगे। कोई कार्य होगा, जैसे राम ने मैम खीर डिसाइड खाई, तो खीर खाने का काम हो रहा है इस वाक्य मैम में। प्लीज साइड खाने का काम मैम कौन कर रहे हैं? अतिथि राम या श्याम, जो भी लड़का है। तो साइड जहां पे ने लगा बस वही कर्ता कारक होता मैम प्लीज साइड है। हम म्यूट कर देते हैं सबको, फिर ऐसे काम नहीं चलता है ना। म्यूट ऑल कर देंगे, अपने आप को म्यूट रखो, जरा कम बोलो। साइड है, अब दिखता है, अब दिखता है आपको? मैम बोल नहीं आना चाहिए। सारे वाक्य आपने उतार लिए हैं। कुम्हार ने अंदाजा लगाया, मैं कर्ता कारक कुम्हार ने है। दादी ने पोते को कहानी सुनाई, दादी ने कर्ता कारक है। पोता दादी के पास होता था, यहाँ पोता में कर्ता कारक है, क्योंकि ये तीनों ही किसी कार्य को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक। अब अपनी किताब में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कुछ वाक्य दिए इन्हें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। तो यहाँ चार वाक्य दिए हैं, इनको हमने बोलकर पढ़ा, और इन
वाक्यों को इसमें नीचे लिखा क्या एक तरीके से बोला गया, तो इसका आंसर आप बताओ नहीं, इस ये सभी वाक्य एक तरीके से नहीं पढ़े गए। जैसे एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक साधारण वाक्य है, इसमें पूर्ण विराम लगा, इसलिए ये सिंपल तरीके से पढ़ा गया। आपको डर नहीं लगता? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और ये इसे प्रश्न पूछने के ढंग से इसको पढ़ा गया। नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा, ये इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। देखो दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, और जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। इसको भी पढ़ने का ढंग कुछ और था, जो बात कही गई है उसके बाद पूर्ण विराम है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद है और लास्ट में रामू ने कहा के बाद पूर्ण विराम फिर लगा है। तो इस तरीके से ये वाक्य कुछ और तरीके से बोला गया। घर में छोटे बड़े कई सदस्य हैं, तो घर में छोटे बड़े, यहाँ पे छोटे बड़े के बीच देख रहे हो एक योजक चिन्ह लगा है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, जो छोटा सा डैश होता है माइनस जैसा निशान, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ छोटे बड़े बोलते समय हमने दोनों को एक साथ बोला, क्योंकि ये एक युग्म शब्द है जिनके बीच में डैश लगता है, या हिंदी में उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग है और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग है। तो इन वाक्यों में क्वेश्चन नंबर 2 में हम विराम चिन्हों का प्रयोग देख रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है। अब हमारा खाली वाक्य दिए हैं, हर विराम चिन्ह को पढ़ने के लिए हमें अलग तरीके से वाक्य को ढंग से पढ़ना पड़ता है, और वाक्य पढ़ने के ढंग से ही पता चल जाता है कि यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं बच्चों बार बार पढ़ने का अभ्यास करो, पढ़ने से भी गलतियों का चीज़ें सीख जाते हैं, गलतियाँ सुधर जाती हैं, चीज़ों का बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है, और जो बच्चे जानते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। तो अब हम लोग वाक्य में पढ़ने के ये अंतर क्यों आया है, जो वाक्य को पढ़ा गया नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा, फिर दूसरा वाक्य है आपको डर नहीं लगता, ये दोनों वाक्यों को बोलने में अंतर है, तो ये क्यों आया, विराम चिन्हों के कारण। ठीक है, यहाँ लिखा भी है वाक्यों में पढ़ने में अंतर आया विराम चिन्हों के कारण। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसमें कुछ इस प्रकार है, यहाँ नीचे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं आपके लिए। जैसे पूर्ण विराम, सामने देखो पूर्ण विराम का चित्र बना है, पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है, ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम, इसके बाद है अल्पविराम कॉमा, अल्पविराम को इसे शुरू का कॉमा भी कहते हैं, फिर है प्रश्नवाचक, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, देखो इस तरीके से लगाया जाता है, फिर है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य के बीच में लगता है, एक वाक्य के एक शब्द के बाद में, यहाँ लिख रहा है ऊपर, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, वैसे तो किताब में लिखा है थोड़ा पढ़ने के लिए याद करने के लिए, लेकिन यहाँ भी लिख रहे हैं जिससे तुम और अच्छे से समझ जाओ। फिर उसके बाद है योजक, अभी मैंने बताया था जिसको हम कभी कभी इंग्लिश में बोल देते हैं डैश, तो ये हमारे बोलने के क्रम में, इसीलिए आप लोग नहीं समझ पाते हो क्योंकि इनको आप इंग्लिश में बोलते हो, फिर है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो अभी हम बता रहे थे दोहरा उद्धरण चिन्ह, देखो दो इधर से कॉमा लगे हैं, दो उधर से कॉमा लगे हैं, आगे से भी पीछे से भी, वाक्य में जब कॉमा दो कॉमा ऊपर से लग जाते हैं तो उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। जब किसी बात को, किसी के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों भाषा में प्रयोग किया जाता है तब उस स्थान पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का। प्रश्नों के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब हम कहीं वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, जब हम साधारण वाक्य बोलते हैं तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जब हम खुशी का, दुख का, घृणा का भाव प्रकट करते हुए कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हे राम, हे ईश्वर, हाय ये क्या हो गया, इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, तो उस हर्ष आश्चर्य घृणा वाले शब्द के बाद में ये चिन्ह लगता है जिसमें हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं।
फिर यह है योजक, योजक जोड़े वाले शब्दों के बीच में आते हैं। दो जोड़ा माने क्या होता है, दो दो के बीच में एक आ जाता है उसको कहते हैं योजक चिन्ह। और फिर है दोहरा उद्धरण चिन्ह। और भी बहुत सारे विराम हैं, विराम चिन्ह हैं, जिनका प्रयोग आगे की कक्षाओं में बच्चे करेंगे। अभी तुम लोग इतना ही सीख लो। अब हम अपनी किताब के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर चार, प्रश्न संख्या चार दिया है। जरा हमको उस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ कुछ बच्चे कर रहे हैं, लिख रहे हैं सर। दिखा दो अपनी भाषा अभ्यास भूमिका, ऐसे दिखाओ हमको क्या लिख रहे हैं। भाषा अभ्यास ऐसे ऊपर करो सब, हमें दिखाओ एक बच्चा। हाँ 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 ठीक ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। पेंसिल और रबड़ अपने साथ लेके बैठेंगे, जो बोर्ड पे लिखा है वो भी आप लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी है। हम आगे पढ़ा रहे हैं तो क्या आप लिखने की प्रक्रिया अपनी जारी रखें। चलो ठीक है, वेरी गुड, आप लिखते रहो साफ साफ सुंदर सुंदर। अब देखो नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए, पेज नंबर 27। अब हम आ गए पेज नंबर 27 पर, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। अभी तक बच्चे आए हैं, पता नहीं उन्हें टाइम नहीं पता रहता हिंदी में कब आना है, मैम लेट हो रहा है बहुत। पता नहीं क्यों पूरे क्लास तक आते हैं, कल हम किसी को ज्वाइन ही नहीं करवाएंगे। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए, पेज नंबर 27, प्रश्न संख्या 4। अभी आपको हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाया, अब आप विराम चिन्हों को अब प्रयोग करिए। तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ बताओ, कौन सा लगेगा? अभी अभी बोला गया था प्रश्नवाचक, मैं प्रश्नवाचक, फिर है मुझे पसीना आ रहा है, पूर्ण विराम, थोड़ा कम रिकॉर्डिंग बोली, ताई जी बोली, ताई जी बोली के बाद अल्प विराम, बोली के बाद अल्प विराम, कॉमा। आलू तो एकदम मीठे हैं, आलू के से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, आलू से, आलू से दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू होगा, नीचे हैं। ऐसे समझ में आ गया आप है, कहां से कहां तक तुम्हें लगाना है और उससे पहले क्या लगाना है? यस मैम, ये हमने 4 में भी पढ़ाया था, ध्यान होगा तुम्हें अभ्यास में। यस मैम पढ़ाया। ठीक है, हाय अब, हाय अब क्या होगा, हाय माने बहुत दुख, दुख प्रकट करने वाली बात है, कोई दुखी वाली बात हो जाती है तो हम कहते हैं हाय अब क्या होगा, विस्मयादिक बोधक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, विस्मयादिक बोधक, बहुत अच्छा। कौन बोला? बहुत अच्छा, कौन बच्चा बोला है? का में एक बच्चा कोई पूछ रहा है, का में क्या होगा, का में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और खा में पूर्ण विराम होगा, का में प्रश्नवाचक। होगा हाँ
गांव में होगा। अरे सॉरी सॉरी गांव में ये गांव में अंत हो गया। गांव में होगा ठीक है आयुष। अब विजिबल है बोर्ड, बोर्ड में भी दिख रहा है। यस मैम। अगर आपको यस दिख रहा है ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हो गया सबका ये ठीक? यस मैम। अब देखो नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। देखो यहाँ पे एक वाक्य दिया है मोटे काला, एक वाक्य दिया है जिसमें एक मोटा काला छपा हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर पांच प्रश्न संख्या पांच में अब मोटे काले छपे हुए शब्द का विलोम तुम्हें खाली स्थान वाली जगह पे लिखना है। तो जैसे सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया, पहला वाक्य क्या है? अंधकार। प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। प्रकाश माने रोशनी और अंधकार माने अंधेरा। तम अंधेरा को तम भी कहते हैं अंधकार को। भगवान के राजा और रंग, राजा मिलता है रंग का है, तो रंग का हमें विलोम लिखता है जो कि होता है राजा। रंग का विलोम क्या है? राजा। रंग तुम्हारा बहुत गरीब और बोर्ड तुम्हारा बहुत गरीब और बोर्ड मैम दोस्त बोर्ड दिख रहा है। यस मैम। यस मैम ये दिख रहा है। हाँ ठीक दिख रहा है। चलो अब हम दुश्मन से, हाँ अगला वाक्य है गांव में प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मैम दोस्त यहाँ पे अगर शत्रु होता है तो उसका उल्टा मित्र होता, ठीक है? यहाँ पे दोस्त है और उसका दुश्मन है तो उसका उल्टा दोस्त होगा। दोस्त का दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त होता है, मित्र का शत्रु होता है और शत्रु का मित्र होता है, ठीक है? अगर यहाँ शत्रु होता तब यहाँ मित्र लिखो, यहाँ दुश्मन लिखा इसलिए यहाँ में वैसा ही शब्द लाना पड़ेगा। चलो परेशान होने पर आसान काम भी, आसान का होता क्या होता है? कठिन मैम मुश्किल। मैम मुश्किल कठिनाई। मैम कठिनाई कठिन कठिन भी होता है मुश्किल भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है कठिन भी हो सकता है। या तो कठिन लिखो या मुश्किल लिखो, कोई याद नहीं। या तो कठिन लिखो या मुश्किल। आसान का होता है मुश्किल। I have done ma'am. ठीक। I have done ma'am. म्यूट योरसेल्फ, सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। अब देखो नीचे दिए गए अगला प्रश्न पेज नंबर 27 का अगला प्रश्न अंधेरा का पर्यायवाची होगा तम और अंधकार। ये आपकी बुक में
हेल्पिंग बॉक्स दिया है आपकी सहायता के लिए, एक पूल में उन शब्दों को दिया है जो आपको लिखने, पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको बताना सोचना ये है कि अंधेरे का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा, तो आपको अंधेरा का होगा तम। अभी अभी हमने बताया कि अंधकार को हम तम भी कहते हैं, अंधेरा का होगा तम और अंधकार। लिख लीजिए या निशान लगा लीजिए अपने बुक में, या निशान लगा लीजिए अपने बुक में। फिर है खा, अंबर और गगन, आकाश का पर्यायवाची होगा अंबर और गगन। फिर है अगला गा में, छे का गा है अंबर और क्या, अंबर और गगन, गगन। फिर गा में वर्षा दिया हुआ है, वर्षा दिया हुआ है। जिसका बारिश और बरसात, बारिश और बरसात, बारिश बरसात, बारिश बरसात। घ में है फूल, घ में है फूल, पुष्प और सुमन, पुष्प और सुमन। घा में फूल दिया है और फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प और सुमन। मैम क का सेकंड वाला बता दीजिए ना, तम और अंधकार। काम है तम और अंधकार। काम है अंबर और गगन। गाम है पुष्प और सुमन, सॉरी घाम है पुष्प और सुमन, गाम है बारिश और बरसात। पृष्ठ संख्या 27 चल रही है, क्वेश्चन है जिसे आप देखकर वो ब्लैक बोर्ड से खूब सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखें। ऑस्टिक निर्भय देखो, अनेक शब्दों के लिए शब्द है, ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिसका मूल्य अधिक हो बहुमूल्य, जिसे कहा ना जा सके। आप लोग भी बोले उधर से, जिसे कहा ना जा सके। हमारी बातों को ध्यान से सुनो, आप अनुकरण करने की बाद में कोशिश करना। अकथनीय, अकथनीय, अकथनीय सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक।